क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स। एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स और एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है जी एक्स। तो पी एक्स को जी एक्स के साथ डिवाइड करना है और फिर क्वोशेंट और रिमाइंडर को निकालना है आपने। ठीक है, नंबर्स को तो हम डिवाइड करते ही थे छोटी क्लासेस में, आज हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। तो 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का अगर एक भी पार्ट कोई भी अगर आपको आ गया ना, तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको आ जाएगी। तो चलो करते हैं इसको। पी एक्स को डिवाइड करना है तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 5 एक्स माइनस 3, और इसको डिवाइड करना है आपने जी एक्स के साथ। तो जी एक्स क्या था, x² - 2। तो ये जो जी एक्स है जिसकी वैल्यू है x² - 2, इसको मैं ऐसे रफ में थोड़ा लिख लूंगा इसको, और पी एक्स पॉलिनोमियल की जो टर्म्स हैं, ये वाली टर्म, ये हमने क्या करनी है, इनको कैंसिल करना शुरू करना है। तो मतलब इस पॉलिनोमियल को x² - 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा क्या आ जाए, x³ आ जाए। एक एक करके टर्म्स हम क्या करेंगे, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। कुछ टर्म्स रह भी सकती हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो जितनी होती हैं वो करेंगे हम। x² ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, मेरे को क्या चाहिए, x³ चाहिए। तो अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूं, करो हम मल्टीप्लाई जरा, x² क्या हो जाएगा, x³ आ गया ना, यही यही तो चाहिए था, लेकिन पूरा करना है। x³ तो आ गया, फिर ये -2 के साथ x को करना है, ये कितना आ गया, 2x आ गया। हमारा मतलब था इससे, ये तो आ चुका है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, x, तो x को लिखा इधर। x से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आया उसको यहां पे लिखूंगा। x³ के नीचे ये लिखा, आगे क्या है, -2x। वो इस -3x² के नीचे नहीं आएगा, वो किसके नीचे आएगा, 5x, क्योंकि जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो इसका क्या था, क्यूब, ये क्यूब के नीचे आया और ये क्या आ रहा है, 2x, तो ये इस टर्म के नीचे आएगा साइन लगा के, ये -2x। ठीक है, फिर ये लाइन खींचे, ये जो नीचे वाली टर्म्स आई हैं, ये जो आए थे, इनके साइन अब आप करने हैं उल्टे करने हैं। इसका साइन क्या था, प्लस का, ये माइनस हो गया, ये साइन कौन सा दिख रहा है आपको, माइनस का, तो ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है, ये देखो ये x³ प्लस का है, x³ माइनस का है, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो ऊपर बचा वो लिख लो, एक तो बचा -3x² बचा, 5x, इस साइन को भूल जाओ, भी ये साइन याद रखना है, 5x + 2x कितना हो गया टोटल, 7x हो गया, ये लिखा हमने 7x, और ऊपर से ये -3 भी आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे द्वारा x² - 2, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा ये -3x² आ जाए। हाँ तो आ जाएगा ना, -3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना इसको, करो मल्टीप्लाई, -3x² -(-)+3 2 कितना हो गया, 6 आ गया। नहीं, ये चीज हमें चाहिए थी, इसके मुताबिक मैच करवाना होता है, तो आ रहा है वो। तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने, -3 के साथ, ये -3 यहां लिखना है, और इसका आंसर कितना आया, -3x² और +6, वो इसके नीचे आएगा, +6। अगला स्टेप, दोबारा साइन उल्टे करने हैं, ये माइनस का साइन था प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन था क्या हो जाएगा, माइनस, ये खत्म। तो ये कितना आ गया, 7x, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 6 और 3 कितना हो गया, 9। अब आगे नहीं करेंगे हम इसको, आगे हो ही नहीं पाएगा, क्यों नहीं होगा, ये देखो x² - 2, ये पावर क्या आ रही है, बड़ी, तो इधर क्या आ रही है, छोटी, ये तो होएगा ही नहीं आगे, इधर ही छोड़ देना इसको। तो हमने क्या निकालना था, क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालना था, तो देयर फॉर क्वोशेंट कितना आ गया, क्वोशेंट आया हमारा
एक्स माइनस थ्री और रिमाइंडर ये आ गया 7x-9। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, अभी मैं इतना ही करवा रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से पहले समझो, फिर आगे पार्ट इसके और भी करवाएंगे, ठीक है।